यार ये जो चटनी है ना बड़े कमाल की है, अगर आप सफर पे जा रहे हैं तो इसे साथ ले जाएं, न डुलेगी न खराब होगी। इसमें पानी मिलाकर लिक्विड चटनी भी बना सकते हैं और दही के साथ तो स्पेशल डिप तैयार हो जाएगी जिसे आप स्नैक्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये चटनी चले महीनों और बने मिनटों में। अच्छा, इस चटनी को विद गार्लिक और विदाउट गार्लिक दोनों तरीके से बना सकते हैं, ये उतनी ही टेस्टी लगेगी। और हाँ, जब आप मिक्सर चलाएंगे तो एक साथ नहीं चलाना है, थोड़ा रुक रुक कर चलाना है। आज का शॉर्ट आउट इनको, सो एंजॉय महाराष्ट्र स्पेशल सिंगदाना चटनी।